डॉक्टर अब्दुल रहमान। रहमान साहब, आप अपना थोड़ा सा पूरा परिचय दीजिएगा, ये कौन गांव है, कौन टोला है, हम लोग जो बैठे हुए हैं कौन सा जगह है। ये नारायणपुर जामा मस्जिद के पास आप बैठे हुए हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान के क्लिनिक में। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आप इस लाइन में कितने दिन से जुड़े हुए हैं? यहाँ पे 2 साल से समाज की सेवा कर रहे हैं, गाँव की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मान लीजिए किस टाइप का इलाज सब चल रहा है? यहाँ पे प्राइमरी एड किसी भी तरह का प्राइमरी उपचार किया जाता है। जी सर जी, यहाँ प्राइमरी जैसे किसी का इमरजेंसी, किसी का भी इमरजेंसी में कुछ हुआ तो उपचार के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आते हैं, यहाँ जो सलाह होते हैं तो वो दे दिया जाता है, उसके बाद बता दिया जाता है। आपके बस की बाहर रहता है उसका, उसको सही सलाह दे के सही कंसल्टेंसी के पास उसको भेज दिया जाता है, स्पेशलिस्ट के पास। जी जी जी, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अशहाब। जी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नारायणपुर। जी सर, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं अभी, जी ये इनका चैम्बर है? ये डॉक्टर अब्दुल रहमान का। रहमान साहब, सर बोल चुके हैं कि समाज का सेवा, जी ये सबसे बड़ा सेवा है। जी जी हाँ, उसमें भी अभी जो आप लोग मान लीजिए रोजा रखते हुए हैं, जी इसमें दान पुण्य समाज सेवा, सब धर्म यही कहता है, कोई भी धर्म नहीं कहता है मान लीजिए ये समाज। अभी जो आप लोग रोजा कर रहे हैं, ये इसका सर इसका चैलेंज बोलेंगे कि क्या इसका मकसद क्या है? अब रोजा कर रहे हैं तो ये तो हम लोग का मतलब रोजा सर। जी जी, मेडिकल में कह भी रहा है, मेडिकल का भी है। जी जी, इस शरीर का पूरा शोधन हो जाता है। जी, इससे बहुत सारी बीमारियां से बीमारी है शरीर के अंदर। जी जी, गंदगी जो है मेंटली फिजिकली जितना हम पाप किए सब सब क्लीन हो जाता है। जी जी, दूसरा चीज ये है कि पहले नवाब रहते थे, राजा महाराजा, वो भूख क्या है उसको महसूस नहीं होता। अभी भी सब कौम में, सब धर्म में ऐसा आदमी है, वो भूख क्या है उसको मालूम नहीं। तो ये जो चीज है, इतना दिन रोजा रखने के इस बार जब फील होता है कि भूख क्या है, चाहे अमीर रहे चाहे गरीब रहे, जो गरीब भूखे सोता है उसका जो है महसूस अभी आपको भी होता है, हम लोग भी कर रहे हैं, भूख क्या है। हाँ, ये चीज हुआ। तीसरा चीज ये हुआ कि ये साइंटिफिक भी बताता है कि गंभीर से गंभीर बीमारी जो है इससे दूर होता है। जी हाँ जी, और जो है तो सबका है, ऊपर वाला जो है अल्लाह का धन है। सर, इलेक्शन का समय आ गया जी, क्या किधर आप लोगों का इस बार ख्याल लग रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किधर झुकाव? देखिए, हम लोग का एक ही कहना है कि जो सर हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग तो सब दरबार जाते हैं। जी जी, हम लोग तो कंवरिया हैं, हर एक जगह थाली जाकर के बजाते हैं, हम लोगों के लिए तो सब बराबर है। हाँ, क्या इस बार लग रहा है? अब जो अच्छा करते हैं और अच्छा देश के लिए कर रहे हैं, ज्यादातर कोशिश करेंगे कि हम लोग उन्हीं को वोट दें और उन्हीं को जीता है। जी, कास्ट वास्ट को लेकर इस सब को लेकर जो सर देखिए, कास्ट क्या कर रहे हैं ये जितना है सब राजनीति के लिए, बस राजनीति के लिए। आप एक चीज, एक ही लाइन में हम आपको समझा देते हैं, भाई भाई को चार उंगली के लिए कत्लेआम कर देता है, जमीन के लिए, संपत्ति के लिए, माँ को बाप को रोड पर फेंक देता है, कोई काम का है। नेता कोई भी हो वो ठीक नहीं होता, उसका ये काम है सारा कुछ हम लोग के लिए ही है जी। अब बाकी ये लोग बाहर जाके बड़े बड़े टूरिस्ट बड़े बड़े सब पे दौरा करते हैं, सबसे मिलते उलते हैं, बस हम लोग बेवकूफ है जो मतलब कुछ समझते नहीं है, हर एक दूसरे से लड़ जाए। सुना जाए, वो क्या है, देवता है क्या? नहीं नहीं, पैदा नहीं किया है, सबको एक ही, सब समझदार है जी। वो अपना चेयर के लिए कुछ कर सकता है, अपना चेयर के लिए वो लोग कुछ कर सकता है, नीचा से नीचा आज तक उन्हीं उन्हीं चीज सबको जनता को समझना चाहिए कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जी सर, अभी इंटरनेशनल पॉलिसी हो या देश का पॉलिसी हो, भारत कहाँ था, कहाँ जा रहा है, क्या संबंध था, क्या हो रहा है, हाँ क्या होने वाला है, सबका आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, उसके बाद निचोड़ वोट दीजिएगा। हम लोग तो मीडिया वाले हैं, जी नहीं है कि किसी का पक्ष धर है, नहीं नहीं, और किसी का ये हम लोग के लिए सब बराबर है, लेकिन वोटर को हमेशा सोच समझ कर ही वोट देना चाहिए। हाँ, कि किसको कितना दिन हम चांस दिए, कौन हमारे लिए क्या क्या, अपने लिए क्या क्या है, हमारे लिए क्या क्या है, सबको ध्यान में रखते हुए
फिर आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद साहब जी। डॉक्टर साहब आपका नाम? डॉक्टर अब्दुल रहमान जी। पूरा परिचय दीजिए एक बार अपना। डॉक्टर अब्दुल रहमान जी, मैं दरभंगा सरफिया SUMCS से पढ़ाई जी, जी। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब यहाँ के दूर दराज को नज़दीक हो आदमी जो आपसे परिचित नहीं है उसको क्या कहना चाहते हैं? अगर कुछ ऐसा बीमारी हो तो आपके पास मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दूर हो या नज़दीक कहीं के भी लोग जो समाज की हम सेवा के प्रति यहाँ पे सेवा भाव से यहाँ पे जो अपना दे रहे हैं उसके लिए सब लोग का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।